शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना, घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी, मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी, बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है, बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है, आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती है। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या, ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती, चलो मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है, ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सकते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। ए, 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 ए,
कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ, यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा? हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं।